थाना कलर सईदा के इलाके में डाकू राज शहरी अदम तहफ़ का शिकार। पुलिस लंबी तान कर सो गए। ना तजुर्बेकार SHO का थाना कलर सईदा में तैनात करके CPO रावलपिंडी ने अहले कलर सईदा के साथ सख्त ज्यादती की है। किसी फर्ज शनास SHO को तैनात किया जाए, सियासी और समाजी हलकों का वजीर आला पंजाब से मुतालबा। रावलपिंडी अब्दुल अजीज पाशा के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज कामरान हशर अपडेट कर रहे हैं। जिला रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान की नाकिस हिकमत अमली की वजह से थाना कलर सईदा में ना तजुर्बाकार SHO के तैनात करके अवाम को चोरों और डाकू के रहम करम पर छोड़ दिया। इलाके में आए रोज चोरी डकैती राहजनी की वारदातों में बेपनाह इजाफा। थाना कलर सईदा से चंद फरलांग के फासले मोहल्ला सादात की रिहायशी आमिर सिद्दीकी ज्वाला सुबह सब्जी फ्रूट लेने के लिए मंडी इस्लामाबाद जाता है, जिसको नामालूम डाकुओं ने रोक कर 1000 रुपये नकदी छीन लिए और मजम्मत करने पर उसको शदीद जख्मी भी किया। जबकि दूसरे वाकया थाना रोड कलर सईदा में एक दर्जी की दुकान से नामालूम चोर 10 जोड़े सिलाई कपड़े और मशीन उठाकर ले गए और कई शहरियों के कीमती मोटरसाइकिल चोरी हो चुके हैं, जिनकी अभी तक FIR तक दर्ज नहीं की गई। कलर सईदा पुलिस ने चोरों डाकुओं को खुली छूट दे रखी है, जबकि अवाम अदम तहफ़ का शिकार। अवामी और समाजी हलकों ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ RPO रावलपिंडी CPO रावलपिंडी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।